अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम लोग आए हैं कोयला किंग, और कोयला किंग में जो है ना यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के ब्लॉग में मैं आपको बता रहा हूँ, लाइटें ही लाइटें और बहुत मतलब एक बड़ा कूल मॉल है। मम्मी दिखाते हैं, मैं हवा है, मैं बता रहा हूँ। अच्छा तुम बताओ भाई, तुम बताओ ब्लॉग मैं भी बनाऊंगा। और अभी ऐसे बनाते हैं ना, हाँ बस ऐसे बनाते, कैसे बनाते हैं लाओ नहीं यहाँ से, हाँ बस ऐसे बनाते हैं ना, बस नहीं लाए। तो अभी हम आपको दिखाएगा, अभी दूर से ऐसे सही है, कैसे यार कैसे अलग होने लगा। चलो अभी देखेंगे हम आग, रियल आग। तो अभी मैं अपनी खूबसूरती यहाँ दिखाऊंगा। अरे हटो यार, तो भाई सब्सक्राइब कर दो, पहले सब्सक्राइब कर दो। हाँ वही सब्सक्राइब कर दो और ब्लॉग को शुरू करते हैं। हाँ बोल लो क्या कहना। अब मेरी बारी है। अच्छा तुम्हारी क्या बारी है? गेम नहीं चल रहा है ये। उस वो देखो यहाँ का महल, छोटा 36 का आंकड़ा, इनका 36 का आंकड़ा चल रहा है, ये रहा 36 का आंकड़ा। उसका नाम पढ़ ले, इसका नाम पढ़ ले, वापिस आना यहाँ पर। ये देखे बच्चे एंजॉयमेंट कर रहे हैं। अच्छा अच्छा आप भी एंजॉयमेंट कर रही हो हैं जी। हाँ सो रहा हूँ, बहुत देर हो गई। कोयला किंग के अंदर बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है। मेन रोड के साथ हम लोग बैठे हैं, बराबर में ड्राइव इन है। ड्राइव इन का बोर्ड नजर नहीं आ रहा मेरे ख्याल में। ये लाइटें बहुत प्यारी आ रही है। और ये रोड जा रहा है साइमा की तरफ, आगा खान चौक से साइमा मॉल की तरफ जा रहा है। बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है यहाँ का, मज़ा आ रहा है। खुला मैदान है, हवा चल रही है और पंखे की जरूरत भी नहीं बिल्कुल। ऑर्डर हमने दिया है कढ़ाई का, मटन कढ़ाई और अफगानी पुलाव, अफगानी पुलाव और ये देखिए बच्चे भी इंजॉयमेंट कर रहे हैं। बच्चे आ रहे हैं, बच्चों को मज़ा आ रहा है। रायता मंगा लिया हमने, सैलेड भी आ चुका है, मलाई बोटी, कढ़ाई, अफगानी पुलाव, सैलेड, दो रोटी और एक क्या कहते हैं पराठा। सबसे पहले हम लोग सब सैलेड खाते हैं। ये देखिए बच्चों को भी वही आदत पड़ गई है। आलू की मम्मी उसको बोलती है कहाँ गए थे, मैं टमाटर बोलती हूँ कहाँ गए थे। और आप सुनाए, आपकी बोटी पहले से फंस रही है, दांत का कीड़ा निकाल लो। दांत का कीड़ा है? मैंने लोगों के अंदर कीड़ा सुना, मेरे दांत के अंदर कीड़ा नहीं है, मैं दांत साफ कर रहा हूँ। भूख लग रही होगी, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रही है। ये गार्डन गार्डन भी हो रहा है। बाबा कोयला, ये माशाल्लाह लिखा है, कोयला लिख दिया। एक इनका एसी सिस्टम है कोयला वालों का, ये देखिए
ये सामने जो पीछे बैक साइड पे पतली गली है वहाँ पे अंदर एसी रूम है, आराम से जाके वहाँ पे भी खाना खा सकते हैं। जो लोग ओपन एटमोसफेयर में जाते हैं ओपन एटमोसफेयर में खाना खाएं। तो जब खाना आने वाला है, खाना आता है आपको दिखाते हैं। लो जी खाना आ गया है और ये हमारी ये सबसे पहले आई है कढ़ाई, उसके बाद ये आ गया हमारा क्या कहते हैं चिकन मलाई बोटी सैलेड एंड अफगानी राइस। अफगानी राइस मुझे बहुत पसंद है दिल से, क्योंकि राइस के साथ कोई भी चीज़ आप आसानी खा सकते हैं। दिल से बुरा तो नहीं लगता ना, दिल से अच्छा लगता है भाई। हाँ अच्छा लगना चाहिए। खाना स्टार्ट हो गया, राइस इनका बहुत अच्छे हैं। आप जब तक व्लॉग करेंगे मैं खा लूँगा। अच्छा जब तक व्लॉग बनेगा फिर खाना स्टार्ट कर देंगे। हमला कर दिए चावल साथ हो रहे हैं, टीम बाजी बन रही है, भाई टीम वर्क होगा। कोयला किंग से मजीद रिकॉर्ड तोड़ दिया और इनकी कढ़ाई बहुत अच्छी है, मसाला वगैरह उन्होंने डाला हुआ है और राइस की क्वांटिटी जो है ना, जो ये आपके राइस है अफगानी पुलाव, इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। थोड़ा टेस्ट करते हैं उसके बाद आपको इसका बताते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, पैसा भी लग गया है। लेट्स सी। आन देख सही आ रही है। यार नहीं कर रही है, लेना चाहिए। ये क्या कर रही है? पापा ये चाहिए। नॉइंग नॉइंग। तेरा दिया है ना? इतने हो गया? एक तो। यार यार। वाह भाई। हम। 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 ये शेर है क्या? लॉयन जो है ना डांस करके तो दिखाए तो अच्छा वाला यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है। हमें एक नया एटमॉस्फेयर यहाँ पे मिला है, अच्छे लोग हैं, अच्छा एटमॉस्फेयर है, हवा है, ब्रीदिंग है बराबर में। कोयला किंग जगह का नाम है, कोयला किंग, और बहुत इन हमारे लॉयन ने एंजॉयमेंट करा दी है। क्या नाम है आपका? है हमारे लॉयन का नाम है जैन 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 जैन। अच्छी तरह हाथ हिला दो ताकि म्यूजिक जो है ना तुम्हारा इसमें ब्लॉग में तुम्हारे साथ होगा। ओके बाय बाय। अरे यहाँ आप भी जैन ने एंटरटेनमेंट करा दिया है यहाँ पे, सब लोग एंजॉयमेंट कर रहे हैं, बच्चे भी, तलवारबाजी हो रही है। लोहाइन काट नहीं रहा, डायरेक्ट तलवार से लड़ रहा है। ये तलवार से लड़ने वाला दो टांगों वाला लोहाइन है, ये दो टांगों वाला लोहाइन है और तलवार रखी हुई है इसने। ये देखिए ये देखिए मैं तो दूर से लग रहा
तो मुर्गा भी आ गया। ये तू कावले कावले बच्चे डर रहे हैं, इतना बड़ा मुर्गा देखिए बच्चों को यकीन नहीं आ रहा ये मुर्गा बहुत बड़ा आ गया है। हमारा प्रोग्राम चेंज हो गया है, अभी हम यहाँ पे कावा पियेंगे और इसमें भाई को भी दो ब्लॉग में लेकर आएंगे। अच्छा ये बताएं यहाँ की सबसे ज़्यादा स्पेशलिटी क्या है, आप ये बताएं सबसे पहले। सर चाइनीज़ है सर, यहाँ का बहुत अच्छा है और बारबेक्यू बहुत अच्छा है। ज़ोर से बताएं। बारबेक्यू बहुत अच्छा है सर और यहाँ का चाइनीज़ बहुत अच्छा है। अरे क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नकीब उल्ला। और उसके अलावा मीठे में क्या है या कोयला कढ़ाई कोयला किंग की या क्या स्पेशलिटी है? आइसक्रीम है सर, फालूदा आइसक्रीम और पिस्ता आइसक्रीम। फालूदा आइसक्रीम पिस्ता आइसक्रीम, तो फिर ये है कि एक फालूदा आइसक्रीम और एक पिस्ता आइसक्रीम और कावा में तो थोड़ा टाइम लगेगा। और जो है ना एक कावा कितने का? 120। हाँ तो एक कावा ले आए वो हम लोग शेयर कर लेंगे, बाकी बच्चे वो कर लेते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और आपका क्या नाम है भाई? जलालुद्दीन। ये भी जलालुद्दीन उप संजू बाबा हैं। ठीक है, इनके हाथ में भी ये सहा की जिम्मेदारी है। ठीक है, यार मैं तो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया हूँ। अब ये है कि मैं तो ग्रीन टी पी रहा हूँ, मगर ये जो फालूदा स्पेशल है ना इनका, इसमें खोया वोया भी है। और ये देखिए बहुत आला टेस्ट है इसका। रिकॉर्ड तोड़ हो गया भाई। कावा पी के मज़ा आ गया। सही आ रही है मेरी है, चेहरा पूरा आ रहा है, सही आ रहा है। कावा पी के भाई बहुत मज़ा आया। यहाँ की स्पेशलिटी मैं एक राउंड लगवा देता हूँ आपको, यहाँ पे क्या क्या चीज़ है कोयला किंग के अंदर। सबसे पहले तो ये बर्निंग आग जो है ना बहुत अच्छी लग रही है दूर से, इसको लेके चलते हैं। जैसे कि एंट्री इन्होंने बहुत अच्छी रखी है, एयरपोर्ट ये जो सदर की तरफ एक रास्ता इन्होंने बनाया हुआ है, एयरपोर्ट नीपा नॉर्थ औरंगी, लेकिन ये तो सीधा जौहर की तरफ और मौसमियात की तरफ से जा रहा है सायमा से होता हुआ। यहाँ लोग जो हैं बनाने वाले बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। ये जूसेस का भी इंतज़ाम है, पान आइसक्रीम तो बहुत आला बनाई है भाई ने, मैंने खाई, बहुत ही आला आइसक्रीम है और अच्छा है। और मैंने आपको बताया यहाँ से इसका व्यू देखे कि ये देखिए, ये एक एरिया जिनके पीछे बिल्डिंग है ना, इसमें एसी एरिया है। हाँ एसी में कोई अंदर जाके बैठना जाए तो उधर बैक साइड पे, और इधर मेन रोड वाला जो एरिया है इस साइड, ये जो है ना इन्होंने हवादार रखा हुआ है, खुली हवा में जो बैठ खाना जाए। ऐसी ऐसी तो घर में भी लेते हैं यार, ये इनके खासतौर पर चपली कबाब है। यहाँ पर चपली कबाब ये बना रहे, भाई से थोड़ा इंटरव्यू लेते। सलाम वालेकुम। सलाम, क्या नाम है आपका? बिलाल।
अच्छा बिलाल भाई, आप चपली कबाब बनाते हैं या पूरा सब मेकिंग वेकिंग रेसिपी अपनी है? सर ये सब रेसिपी खुद अपने बनाए। अच्छा, क्या क्या डालते हैं इसमें? हम जीरा डालते हैं, धनिया डालते हैं, अनार डालना, अजवाइन और गरम मसालों के इसमें बड़े का गोश्त है सर जी, बड़े का गोश्त है जी, बड़े का गोश्त। अच्छा अच्छा, ये कितनी देर में बन जाता है आपका चपली कबाब? 5 से 7 मिनट में तैयार हो जाता है। यानी 5 से 7 मिनट में किसी को ज़्यादा भूख लग रही हो ना, तो जौहर वाले, मौसमियात वाले, सफूरा वाले और सदर वाले, ये जो करीब है ना लोग, ये तो सुन लें, 5 से 7 मिनट में आपकी भूख का इंतज़ाम हो रहा है यहाँ पे। और बहुत अच्छा खाना मैंने खाया, कढ़ाई खाई, बहुत अच्छा टेस्ट है। और आगे क्या क्या है इनका? सर बारबेक्यू और बाकी कढ़ाई ये सब कुछ है। चाइनीज भी है इनका? अच्छा, स्पेशल। अच्छा, चाइनीज का इंतज़ाम इन्होंने पीछे बैक में जो है ना बनाते हैं, सारे सिस्टम है पूरा पूरा। यानी कि ये है कि एक लोकल सिस्टम नहीं है, ये इस तरह है कि आप एक मैनेज किया हुआ है तरीके से। और सबसे बड़ा ये जो लाइटों का हिसाब किताब इन्होंने बनाया हुआ है ना, ये देखो लोग कितने महसूस हो रहे हैं, ये लाइट बहुत आला तरीके से है इनकी। देखो लोग, फैमिलीज आई हुई है, और रिसेप्शन बहुत अच्छा लगा मुझे। अब अच्छे तरीके से लोगों ने पूछा, सब लोगों ने, हम लोग वहाँ बैठे हुए थे और ये इन्होंने ऐसे एक बॉल बना के उसमें स्टिकर दिए। आज का व्लॉग हम लोग यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। और आपको कुछ कहना है इसमें? नो आंसर। ये ब्लॉग बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन जब कैमरा इनके ऊपर आता है तो ये बिल्कुल ऑफ हो जाते हैं। अच्छा भाई, ओके, टाटा, बाय बाय। आज का ब्लॉग हम करते हैं यहीं पे खत्म। सब्सक्राइब तो कर दो। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैन करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।